आज हम सीखेंगे ब्रिक टेस्ट या क्वालिटी टेस्ट ऑफ रेड ब्रिक एट साइट। तो पहला है शेप एंड साइज। ब्रिक का शेप यूनिफॉर्म हो और साइज दम परफेक्ट हो। दूसरा है मेटेलिक साउंड। दो ईंटों को लेकर जब आप उस आपस में टकराएंगे तो उसमें टन टन जैसी आवाज आनी चाहिए, मेटेलिक साउंड जैसी। अगला है नेल स्क्रैच या हार्डनेस टेस्ट। इसमें आप ईंट के ऊपर अपने नाखून से स्क्रैच मार के देखते हैं। अगर ईंट में स्क्रैच आ गया तो ईंट बेकार क्वालिटी की है। अगर ईंट में स्क्रैच ना आए तो मतलब ईंट की क्वालिटी बेस्ट है। अगला है सिंक वाटर या वाटर अब्जॉर्प्शन। इसमें हम ईंट का वेट कर लेते हैं और उसे नोट कर लेते हैं। फिर उसे हम एक दिन के लिए पानी में डुबो के रखते हैं और अगले दिन निकाल के उसका वेट करते हैं। जब हम उसका वेट करते हैं उसे नोट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि बीज अपने वेट के 20% से ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व तो नहीं कर रहा। अगर वो अपने वेट से 20% से ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व कर रहा है तो ईंट बेकार क्वालिटी की है। अगर 20% तक या 20% से कम पानी ऑब्जॉर्व करता है तो बेस्ट क्वालिटी की ईंट है। और हमारे ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg/cm² होनी चाहिए। ये हमारी सेकेंड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ब्रिक ब्रोकन टेस्ट या इम्पैक्ट टेस्ट। इसे टेस्ट करने के लिए हम ईंट को उठा के 1 मीटर की हाइट से नीचे गिरा देते हैं और फिर देखते हैं कि ईंट टूटा या नहीं। अगर ईंट टूट जाता है तो वो बेकार क्वालिटी का ईंट है। अगर ईंट नहीं टूटता है तो मतलब वो बेस्ट क्वालिटी है ईंट की। ईंट को तोड़ के हम ये भी देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे छेद तो नहीं है। अगर उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं तो मतलब ईंट की क्वालिटी बेकार है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में।